नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 फरवरी से 12 फरवरी तक होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास और रोजगार में अवसर लाना है। साथ ही इस कार्यक्रम में 20 देशों से निवेशक निवेश की इच्छा लेकर उत्तर प्रदेश के राजधानी आएंगे। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अति विशिष्ट गणमान्य शामिल होंगे। प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 फरवरी से और 12 फरवरी के बीच चलेगा। इस आयोजन से माना जा रहा है कि प्रदेश के विकास में रफ्तार आएगा, साथ ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छुएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं अगर बात करें तो कार्यक्रम का समापन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं इस कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य इसमें शिरकत करेंगे। साफ तौर से इस आयोजन से है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लगभग 20 देशों से राष्ट्राध्यक्ष एवं तमाम जो निवेशक हैं वो आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, उन्हें यूपी मॉडल को दिखाया जाएगा और कहीं ना कहीं वो अपने निवेश की इच्छा को लेकर आएंगे और यहाँ निवेश करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इस आयोजन से माना जा रहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश के अंदर में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इस आयोजन को लेकर राजधानी लखनऊ को पूरे दुल्हन के माफिक सजाया गया है। बात करें तो राजधानी लखनऊ के प्रदेश चौराहों पर जो प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ उन चौराहों को पूरे सुसज्जित ढंग से झालर, लाइट, फूल पत्तियों से सजाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो पूरे कार्यक्रम वृंदावन सोसाइटी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा। इसके लिए अस्थायी रूप से टेंट भी तैयार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो जो तमाम निवेशक आ रहे हैं उनके बीच जो तमाम ऐसे उपकरण बनाए गए हैं, साथ ही टेंट में अगर बात करें तो विशेष सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। रेस्टोरेंट से लेकर विभिन्न सुविधाएं उस टेंट में होगी। साथ ही अगर बात करें तो टेंट सिटी जैसे बनारस के अंदर में चल रही है, ठीक वैसे ही इसमें अस्थायी रूप से टेंट सिटी देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ को 10 से 12 फरवरी के बीच हैवी गाड़ियों को उन रूट से जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही ऑटो रिक्शा जैसे ई रिक्शा और तमाम गाड़ियों को उन मार्गों से गुजरने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के अंदर में इतने बड़े भव्य आयोजन से कितनी अर्थव्यवस्था में सुधार आती है प्रदेश की, साथ ही उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। राजधानी लखनऊ में G20 और GIS सम्मेलन को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि शहर में विदेशों से आए मेहमानों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, तो वहीं महानगर स्थित पुलिस लाइन में आज जिले के बड़े आलाधिकारी समेत आसपास के जोन से आए अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मेलन से पहले ब्रीफ किया गया है। इस दौरान लखनऊ में VIP आगमन के लिए रूट तैयार किए, चार्ट समेत सुरक्षा के दृष्टि से DCP ट्रैफिक रईस अख्तर ने सभी को ब्रीफ किया और एयरपोर्ट स्थल से कार्यक्रम स्थल तक का पूरा ब्यौरा भी बताया गया। जो हमारा GIS का प्रोग्राम है, जैसा आपको मालूम है, ये 10 से 12 फरवरी के बीच में है, तो इसमें जो हमारे डेलीगेट्स हैं लगभग 10,000 की संख्या में डेलीगेट्स इसको अटेंड करेंगे, जिनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें जो पहली कैटेगरी है जो सबसे VIP हैं उनको गोल्ड, और उसके बाद नीचे सिल्वर और उसके नीचे रेड, ये 3 कैटेगरी के हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग रूट निर्धारित किया है। उसमें जो मेन रूट है कि अगर वो एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो जो रेड और सिल्वर पास धारक हैं वो सेक्टर 8 अंडरपास पे उतर के अपने वेन्यू पे जाएंगे और वहाँ पे उनके लिए पार्किंग की अलग व्यवस्था है। इसके अलावा जो गोल्ड पास धारक हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको अवध शिल्प ग्राम
रैंप पे हम लोग उतारेंगे और अंडरपास से दाहिने होकर के टेंट सिटी और रेलवे ओवरब्रिज होते हुए वो अपने वेन्यू पे जाएंगे। लखनऊ में G20 का सम्मेलन होना है और इसमें PM मोदी समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पधारेंगे। 10 से 12 तारीख तक ये सम्मेलन होना है और उसमें तमाम जो बाहर के विदेशों के देश के लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे और इन्वेस्टर भी आएंगे। इस वक्त हम लखनऊ के पुलिस लाइन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस की बैठक चल रही है। फिलहाल अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है SB सिरटकर यहाँ पर आने वाले हैं और बहुत जल्दी ब्रीफिंग करेंगे। देख सकते हैं लखनऊ के अलावा भी तमाम जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे वो हरदोई हो गया, चाहे बाराबंकी हो गया, इसके अलावा भी कई जोन के यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं, कई बड़े आला अधिकारी हैं, कई IPS अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आएगी। यहाँ पर एक या कहिए G20 को लेकर बहुत बड़ा सम्मेलन है और इसको सुरक्षा को लेकर हर कोई अलर्ट है। PM मोदी भी यहाँ पर आने वाले हैं और कल SPG की एक ड्रिल होगी जिसमें बताया जाएगा पुलिस को सुरक्षा को लेकर। इधर देख सकते हैं यहाँ पर भी तमाम जो IPS हैं उनका कार का काफिला लगा हुआ है और ये देख सकते हैं किस तरह से पुलिस लाइन है, रिजर्व पुलिस लाइन है, लखनऊ की सबसे पुरानी पुलिस लाइन है। यहाँ पर तमाम IPS अधिकारी आज पहुँचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर और जो मेहमानों की जो सेफ्टी है, तमाम चीज़ें उसको लेकर बैठक की जा रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस SV सिरटकर भी यहाँ पर आने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में ही बैठक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर तय की जाती है, ये भी बहुत बड़ा फैसला होगा। और देखना ये भी है कि PM मोदी भी आ रहे हैं एक तरफ, CM योगी भी हैं, तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी सुरक्षा के हिसाब से। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कई देशों के बहुत बड़े इन्वेस्टर प्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचेंगे तो उनकी सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक चुनौती है पुलिस के लिए। लेकिन फिलहाल UP पुलिस मान के चलिए कि हर चुनौती से निपटने को तैयार रहता है। यहाँ पर फिलहाल अभी एक बड़े आला अधिकारी ही IPS हैं, वो यहाँ पर हल्की सी ब्रीफिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो मेन ब्रीफिंग होगी वो यहाँ के लखनऊ पुलिस कमिश्नर SB सिरटकर करेंगे। और फिलहाल अभी ब्रीफिंग चल रही है, तमाम जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग जोन से यहाँ पर पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं किस तरह से, फिर एक बार आप फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आ रही है, चाहे वो एक आरक्षी हो, चाहे राजपत्रित अधिकारी हो, IPS लेवल का अधिकारी हो, PPS लेवल का अधिकारी हो, वो यहाँ पर पहुँचा है क्योंकि 10 से 12 तारीख तक इन्वेस्टर समिट होना है और यहाँ पर बहुत बड़ी सुरक्षा को लेकर और ब्रीफिंग को लेकर और तमाम जो PM मोदी हैं यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर लखनऊ की पुलिस लाइन है कल्ले पश्चिम PGI इलाके में, वहाँ पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। फिलहाल 10 बजे तक PM मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जो मेहमान होंगे यहाँ के, जो तमाम देशों के मेहमान होंगे, वो उनसे बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें ब्रीफिंग करेंगे, उनसे तमाम चीज़ें होंगी। फिलहाल ये लक्ष्य रखा गया है, मान के चलिए कि लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है और तमाम जो करोड़ों बेरोज़गार युवक हैं UP में और तमाम अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में, उनके लिए बहुत बड़ा एक अवसर माना जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट के बाद कहीं ना कहीं उनके रोज़गार के दरवाजे खुलेंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया, ये मान के चलिए PM मोदी, इससे पहले भी डिफेंस एक्सपो भी हुआ था, वहाँ पर भी देखा गया। फिलहाल ये जो सम्मेलन है ये डिफेंस एक्सपो की जगह पर ही है और इससे पहले भी डिफेंस एक्सपो हुआ था यहाँ पर भी, और भी तमाम जो सुरक्षा की जो प्रणाली है वो हमने देखी थी इससे पहले भी 2020 में, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट बहुत बड़ा माना जा रहा है। तकरीबन 40 से ज़्यादा देशों के जो मेहमान हैं, इन्वेस्टर है, वो आने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो होगा, बहुत बड़ा होगा, UP सबसे बड़ा जिला, बड़ा प्रदेश है देश का, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। अब देखना ये भी है कि जो बेरोज़गारी है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको किस तरह से PM मोदी और CM योगी और तमाम जो उनकी जो पहल है वो किस तरह से उन सब चीज़ों को दूर कर पाते हैं। फिलहाल अभी पुलिस लाइन में ब्रीफिंग चल रही है, ब्रीफिंग के बाद कल एक SPG द्वारा यहाँ पर एक ड्रिल की जाएगी,
और पीएम मोदी के जो रूट होंगे, उस जो तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर आएंगे, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे महिंद्रा हो, उनके रूट को तय किया जाएगा। रूट तय करने के बाद वहाँ पर ड्रिल होगी। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो यूपी पुलिस और जो तमाम जो जाँच एजेंसी है वो पूरी तरह से तैयार हैं स्वागत के लिए। विदेशों के जो मेहमान आएंगे उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि किस तरह सा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और क्या रोज़गार की नए नए उपलब्धियां लाता है। कैमरा मनीष के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।